अब हम बात कर लेते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी की वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसकी डायग्राम को देखेंगे, उसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हमने लास्ट टू टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड विद टू द फर्स्ट कंप्यूटर। ऑब्वियसली हर कंप्यूटर एक रिंग में कनेक्टेड होगा, यानी कि एक कंप्यूटर अपने पिछले वाले कंप्यूटर से भी कनेक्टेड होगा, प्रीवियस कंप्यूटर से भी, एक कंप्यूटर वही कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से ये एक रिंग में कनेक्टेड होंगे और रिंग क्रिएट किया जाएगा। अब रिंग टोपोलॉजी की या रिंग नेटवर्क की वर्किंग की बात की जाए तो ये वर्क कैसे करता है कि एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क, इन द रिंग नेटवर्क। ईच कंप्यूटर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। हर कंप्यूटर अपने से जो बैक साइड बैक प्रीवियस कंप्यूटर होगा उससे इंफॉर्मेशन गेट करेगा, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को देखेगा कि आया कि वो इंफॉर्मेशन मेरी है या नहीं है, यानी कि वो डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच करेगा जो मैसेज उसे रिसीव होगा। अगर तो उसी कंप्यूटर का होगा तो वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यूटिलाइज कर लेगा, वो इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर के पास रहेगी, अदरवाइज वो मैसेज आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा नेक्स्ट कंप्यूटर में। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, मैसेज का फ्लो होगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द स्टार टोपोलॉजी। इसमें इतनी वायरिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी जितनी कि हमें स्टार टोपोलॉजी में रिक्वायर्ड थी। हर कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस है, ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो अगर हमारे पास कुछ एक कंप्यूटर है फेल कर जाता है काम करना, फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर में देखें चार कंप्यूटर हैं, चार कंप्यूटर में से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर फेल कर गया काम करना, वर्किंग ही नहीं कर रहा, तो क्या मैसेज जो उससे प्रीवियस कंप्यूटर से आया होगा वो मैसेज आगे जाएगा? नहीं, वो मैसेज तो नहीं आगे जा सकता, वो कंप्यूटर ही नहीं वर्क कर रहा तो वो मैसेज कैसे आगे भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपका होल नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। फिर इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट करना यानी कि एरर्स को फिक्स करना, किस तरह से हम लोग एरर फिक्स करते हैं। और क्योंकि सारे जो कंप्यूटर हैं एक रिंग में कनेक्टेड हैं, यानी कि एक कंप्यूटर तभी ये रिंग ये नेटवर्क तभी वर्क कर सकता है जब ये कनेक्टेड होंगे। जब अगर मैंने कोई नया कंप्यूटर इसमें ऐड करना है तो मुझे पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा, उनके नेटवर्क को डिस्टर्ब करके फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है।